वेलकम बैक टू माय चैनल सोनरिया सो फ्रेंड्स फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनको पर्पल एच डी लिपस्टिक का रिव्यू चाहिए था सो so, फाइनली मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आ गई हूँ मैंने इन्हें परचेज किया है पर्पल डॉट कॉम से पर्पल ऐप है जहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं और ये न्यू लॉन्च नहीं है फ्रेंड्स ये बहुत आई मीन I mean, काफ़ी टाइम पहले ये लॉन्च हो चुकी हैं और ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इनका प्राइस ना कभी ड्रॉप नहीं होता है आई I मीन mean, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे इन लिपस्टिक्स पे सो so, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए मैंने इन लिपस्टिक्स को परचेज़ किया अदरवाइज़ लिपस्टिक्स नहीं परचेज करती Uh, इन्हें ना परचेज़ करने का रीज़न भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी सो so, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा uh, मैं आपके साथ इसके uh, कुछ uh, ड्यूब्स कह सकते हो या आप इनकी जगह कौन सी लिपस्टिक परचेज़ कर सकते हो वो भी शेयर करूँगी बिकॉज पोपल ने लिपस्टिक्स ये लॉन्च की हैं बहुत अच्छी हैं बट इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है और क्वालिटी इज़ ओके बट ऐसी ही सेम क्वालिटी आपको और ब्रांड्स में मिल जाएगी जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी इस वीडियो में तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं बिकॉज़ आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा एक लाइक और एक शेयर तो बनता है सो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा मैं आपके साथ इनके हैंड स्वॉचेस और लिप स्वॉचेस की पिक्चर शेयर करूँगी सो so, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सो so, जैसे कि आप पैकेजिंग देख सकते हैं इस पर पिंक ब्लूइश पर्पलिश काइंड kind ऑफ of, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है काफ़ी प्रिटी पैकेजिंग है कलर अच्छा है और यहाँ पर मेंशन है पोपल और यहाँ पर इस लिपस्टिक का नेम दिया हुआ का नेम दिया गया है अल्ट्रा एच डी वेलवेट मैट लिपस्टिक्स और लिपस्टिक का नेम भी यहाँ कार्डबोर्ड के ऊपर मेंशन है जैसे कि यहाँ लिखा है शॉपिंग कंपेनियन और फाइव नंबर शेड है ये नेम और नंबर आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा और इस साइड पे आपको लिपस्टिक की डिस्क्रिप्शन दी गई है आई मीन टू से इसका प्राइस दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग दी गई है यूज़ बिफोर दिया गया है और लिपस्टिक की नेट क्वांटिटी है 2.5 पॉइंट ग्राम्स और 475 सेवेंटी इसकी एम है फ्रेंड्स जो कि मुझे इस लिपस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए मैंने इन्हें कभी परचेज़ नहीं किया और बहुत ज़्यादा ना मैंने इस लिपस्टिक के रिव्यू भी नहीं देखे है आई मीन कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई हो बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है इस फॉर्मूला में बहुत सारे ड्यूब्स मिल जाएंगे इस लिपस्टिक की और यहाँ पर ना इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जो कि स्टिकर से हाइड हो गए हैं बट मैं कोशिश करती हूँ सो so, ये देखिए यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं इस लिपस्टिक के सो ऑल एंड ऑल पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है क्वालिटी uh, भी ओके okay है मैं इनर पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ एक बार ये देखिए ये इनर पैकेजिंग है ब्लैक स्लीक पैकेजिंग के साथ है ग्लॉसी फिनिश है यहाँ पर आपको पर्पल लिखा हुआ है और आपको शेड नंबर भी मेंशन है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लिपस्टिक के ऊपर ही आपको बोल्ड लेटर्स में शेड नंबर और नेम दिया गया है आई uh, थिंक ये मैंने किसी लिपस्टिक पे फर्स्ट टाइम ही देखा है कि इतने बोल्ड लेटर्स में ऊपर ही लिपस्टिक का नेम और नंबर दिया गया है और यहाँ ना और यहाँ बैकअप साइड पे लिपस्टिक के यहाँ पर आपको शेड नंबर भी दिया है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और प्राइस और नेट क्वांटिटी वगैरह भी दी गई है लिपस्टिक की सो so, ये सिंपल सी स्लीक प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ है और इस तरीके से ओपन होता है और ये आपको बुलेट मिल जाएगी ये देखिए सो so, बहुत ज़्यादा शेड इसमें लॉन्च नहीं हुए हैं आई थिंक टेन शेड्स ही हैं उसमें से जो लास्ट शेड नंबर है ज़ीरो आई मीन टेन नंबर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है आई I मीन mean मैंने सारे शेड परचेज़ किए करने की कोशिश की बट एक शेड जो है टेन नंबर वो नहीं आया मतलब मिला ही नहीं वो कार्ड में ही नहीं इंक्लूड हुआ सिर्फ नाइन शेड्स ही मिले हैं मुझे सो अगर मुझे वो शेड अवेलेबल uh, हो जाता है मिल जाता है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी बट uh, अभी मैं इन नाइन शेड्स का लिप्स वॉशिज़ और हैंड वाशेज़ आपके साथ शेयर करती हूँ सो so, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, ये है फ़र्स्ट शेड वंडरिंग कंपेनियन शेड नंबर वन और काफ़ी अच्छा शेड है आई I मीन mean, देख सकते हैं आप इस रेंज में ना मैंने रेड्स की वैरायटी काफ़ी देखी है ये देखिए Uh, काफी प्रिटी और काफी ब्राइट रेड शेड है ये देखिए और मैं और मैंने जो भी लिप वॉचेज और जो भी मैं हैंड वॉचेज आपको दिखा रही हूँ ये सब नेचुरल सनलाइट में लिए गए हैं लिप स्वॉचेस भी नेचुरल सनलाइट के हैं और आप शेड देखिए कितना प्रिटी शेड है शेड बहुत सुंदर है शेड बहुत सुंदर है नो डाउट शेड बहुत सुंदर है नो no डाउट काफी प्रटी शेड है और काफ़ी ब्राइट ऑरेंजिश रेडिश शेड है सो so ये सारी स्किन टोन के ऊपर अच्छा लगेगा बट अगर आप बहुत ज़्यादा डीपर स्किन टोन के हैं ना तो मैं आपको कहूँगी आप प्लीज़ इसे बहुत अप्लाई कीजिएगा बिकॉज ये थोड़ा सा ना ब्राइट uh, लगेगा मतलब ओवर लग सकता है बट स्टिल अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं और इनके फॉर्मूला की बात करूँ तो uh, जैसे कि इस पर मैंशन भी है ये uh, एच डी मैट लिपस्टिक हैं सो ये ना थोड़ा क्रीमी फॉर्म में है बट uh, है मैट लिपस्टिक लुक आपको मैट लिपस्टिक की ही मिलेगी बट थोड़ा क्रीमी फॉर्म में है और uh, ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है uh, ये ट्रांसफ़र होती हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं थोड़ी मतलब होती हैं आई मीन एक क्रीमी लिपस्टिक से थोड़ा ज़्यादा आई मीन मैट है और बहुत ज़्यादा ग्लॉसीनेस नहीं है और नेक शेड है ये टू नंबर और जो भी शेड नेम और नंबर होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी सो ये है शेड नंबर टू और ये भी काफ़ी प्रिटी शेड है ये देखिए और मैं आपको स्वाच करके दिखाती हूँ ये है शेड नंबर टू ये पिंक शेड मुझे ना अच्छा लगा वैसे मुझे पिंक्स बहुत कम पसंद आते हैं बट ये शेड काफ़ी सुंदर लग रहा है ये देखिए और काफ़ी आ, सारी स्किन टोन पे ये शेड सुंदर लगेगा अगर आप डस्की स्किन के हैं ना तो भी आप ये शेड लगा सकते हैं बहुत सुंदर लगेगा आपके लिप्स के ऊपर और लिपस्टिक काफ़ी कंफर्टेबल हैं नो डाउट लिपस्टिक में कोई कमी नहीं है क्वालिटी अच्छी है बट दीज आर नॉट सुप्रीमली मैट कम्फर्टेबल मैट कह सकते हैं आप और बहुत ज़्यादा uh, लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती हैं और रहती हैं स्टे करती हैं अगर आप कुछ खाएंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिप्स के सेंटर से ही जाती हैं तो आप इन्हें रीअप्लाई कर सकते हैं लिक्विड लिपस्टिक की तरह नहीं है कि आपको ना पूरा रिमूव करके फिर से अप्लाई करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप इसे जितनी दूर से रिमूव होती है उतनी दूर इसे रीअप्लाई कर सकते हैं सो ऑल एंड ऑल कम्फर्टेबल मैट है और ये था शेड नंबर टू जो मैंने आपको स्वॉच करके दिखाया काफ़ी पिटी सा पिंक शेड है और लिपस्टिक की प्राइजिंग की बात करें तो फ्रेंड्स मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिलता है इन लिपस्टिक पे और यह है शेड नंबर थ्री जो कि चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है मैंने इससे पहले भी इन लिपस्टिक को परचेज़ करने का सोचा था बट इसका प्राइस कभी कम ही नहीं होता फोर सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ मैं इन लिपस्टिक के लिए नहीं देना चाहूँगी ऑनेस्टली बिकॉज मैंने इससे सेम क्वालिटी की लिपस्टिक मैंने अफोर्डेबल प्राइस में परचेज़ की हैं और आपके साथ शेयर भी की हुई हैं जो कि इससे बेटर क्वालिटी की हैं आई मीन वो इससे ज़्यादा स्टे भी करती हैं और प्रॉपर मैट भी हैं और अफोर्डेबल भी हैं सो so, इसलिए मैंने इन्हें कभी परचेज़ नहीं किया और ये शेड नंबर थ्री है जो मैंने आपको सोच करके दिखाया और ये एक प्रिटी सा ब्राउनिश शेड है बहुत सुंदर शेड है ये सारी स्किन टोन के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा इनफैक्ट अगर आप डस्की टू डीप स्किन टोन के हैं तो आपके लिए एक प्रॉपर न्यूड शेड है सो so, काफ़ी प्रिटी है तो so, आप ये शेड भी परचेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो देन शेड नंबर फोर और इसमें ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड्स की ना वैरायटी थोड़ी ज़्यादा है आपको न्यूड्स कम मिलेंगे और शेड रेंज भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है टेन शेड्स हैं जिसमें टेन नंबर शेड तो आई थिंक अभी अवेलेबल होता ही नहीं है और ये भी एक बहुत ही प्रिटी सा रेड शेड है थोड़ा डीपो साइड पे है तो ये सारी स्किन टोन सो ये इस टाइप का रेड शेड है कि ये सारी स्किन टोन के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा काफ़ी प्रिटी सा रेड शेड है और जो नेक्स्ट शेड है वो है शेड नंबर फाइव और ये भी एक रेड शेड है ये देखिए मैं आपको स्वाच दिखाती हूँ और ये थोड़ा सा डीपो साइड पे है आई I मीन mean थोड़ा सा आपको ना ऐसा लगेगा कि दोनों शेड सिमिलर हैं बट दोनों शेड सेम नहीं है ये थोड़ा रेड शेड जो मैंने फाइव नंबर आपको स्वाच करके दिखाया ये थोड़ा सा ना मरूनिश टोन में है और तो फाइव है ये थोड़ा मरून टोन में है बट uh, काफ़ी सुंदर शेड है डीप डस्ट की और मीडियम स्किन के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा और अगर आप फेयर स्किन के हैं तो भी इसे ट्राई कर सकते हैं डिपेंड्स uh, ऑन अगर आप ब्राइटर शेड्स लगाना पसंद करते हैं या न्यूड शेड लगाना पसंद करते हैं सो so, इस समय तो ट्रेंड है न्यूड शेड्स का लाइट शेड्स का पिंक न्यूड्स सो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ब्राइट शेड्स लगाते होंगे कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग जो होते हैं उनको कॉलेज गोइंग और जो ऑफिस गोइंग्स होते हैं उनको वैसे भी थोड़े लाइट शेड्स ही लगाना पसंद होता है और ये है शेड नंबर सिक्स मैं आपको सॉच दिखाती हूँ और ये भी एक पिंकिश न्यूड शेड है मतलब शेड है काफ़ी प्रिटी सा पिंक शेड है ये देखिए मैं आपको सनलाइट में दिखा रही हूँ ये बहुत ही प्रट्टी सा पिंक शेड है और बेबी पिंक कह है सकते हैं आप तो अगर आप फेयर स्किन के हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा यह है शेड नंबर सिक्स देन नेक्स्ट शेड इज़ सेवन नंबर और ये भी एक ब्राइट सा रेड शेड है सो मैंने आपको बताया ना इसमें रेड के शेड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये ना बहुत ही ब्राइट रेड शेड है ये देखिए ये देखिए सनलाइट में काफ़ी प्रिटी और काफ़ी ब्राइट रेड शेड है सो so, और अगर आप रेड शेड लवर हैं ना तो आपको रेड की वैरायटी काफ़ी अच्छी मिलेगी और काफ़ी ब्राइट रेड शेड्स मिलेंगे इसमें ये दो शेड्स जो कि ब्राइट हैं आई मीन इसमें पिंक टोन ज़्यादा है जो मैंने शेड नंबर सेवन आपको स्वाच करके दिखाया इसके अंदर पिंक टोन है और ये प्रॉपर जो टमाटो रेड कह सकते हैं आप ऑरेंजिश रेड होता है ना दिस इज़ फर्स्ट नंबर जो ऑरेंजिश रेड है और ये प्रॉपर एक पिंकिश रेड शेड है और काफ़ी प्रिटी है मुझे पिंकिश रेड शेड ना बहुत सुंदर लगते हैं ये शेड भी अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर बट स्टिल कुछ पिंक रेड मेरे फेवरेट हैं सो ये है शेड नंबर एट जो मैं आपको स्वर्च करके दिखाऊंगी अब और ये काफ़ी प्रटी सा ना डीप पिंक शेड कह सकते हैं जो कि सारी स्किन टोन के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा वन स्वाइप पिगमेंटेशन है फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको पिगमेंटेशन नहीं मिलेगी वन स्वाइ वन स्वाइप में वन स्वाइप पिगमेंटेशन है और शेड लिमिटेड हैं बट डेफिनेटली कोई शेड आपको पसंद आ जाएगा इसमें अगर आप पिंक लवर हैं तो पिंक शेड भी है एक ब्राउन शेड है रेड्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी है सो रेड शेड लवर के लिए तो काफ़ी सुंदर शेड्स हैं इसके अंदर और जो लास्ट है वो है नाइन नंबर बिकॉज टेन नंबर बिकॉज टेन नंबर शेड अवेलेबल ही नहीं है सो so मैं उसे परचेज ही नहीं कर पाई ये भी एक रेड शेड है और ये मैं आपको स्वर्च करके दिखा रही हूँ ये भी पिंक अंडर टोन में है रेड शेड ये देखिए सनलाइट में सो so, रेड्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी है और अब मैं आपसे बात करती हूँ कि आप इसकी जगह अगर आप फोर सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ नहीं देना चाहते हैं इस लिपस्टिक के लिए तो मैं डेफिनेटली आपसे कहूँगी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जो इनसाइड की न्यू लॉन्च्ड लिपस्टिक्स है ट्वेंटी फ़ोर आवर ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक जो मैंने आपके साथ शेयर की है आप डेफिनेटली इन्हें परचेज़ कर सकते हैं ये आपके बजट में भी आएंगी ये देखिए मैंने आ, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है आप अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी तो आप अगर चाहते हैं कि आपको फोर सेवेंटी फाइव रुपीज़ इन लिपस्टिक के लिए ना देना पड़े और आपको क्वालिटी फॉर्मूला सब कुछ सेम मिले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इन की नॉन ट्रांसफ़र मैट लिपस्टिक को ट्राई कीजिए आपको फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा ऑल आपको इनसाइड की इस लिपस्टिक में ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक मिलेंगी बट पर्पल की जो ये एच डी लिपस्टिक्स हैं ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है बट इनसाइड की जो लिपस्टिक्स हैं ये, है, ये ट्रांसफ़र प्रूफ हैं तो ये एक बेनिफिट है और दूसरा प्राइस पॉइंट ये टू हंड्रेड टेन रुपीज़ की आपको मिलेगी और अमेजॉन पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इन लिपस्टिक के ऊपर बट ये पर्पल की जो एच डी लिपस्टिक्स है इन पर डिस्काउंट कभी जल्दी मिलता नहीं है ये फोर सेवेंटी फाइव रुपीज़ की हैं बट मुझे ये आई थिंक फोर ट्वेंटी फ़ोर या फ़ोर फोर्टी फोर रुपीज़ की कुछ समथिंग की पड़ी है जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा ना मैं स्क्रीन पे दे दूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुझे कितनी महंगी पड़ी हैं और मतलब क्वालिटी इस क्वालिटी की लिपस्टिक मेरे पास ऑलरेडी हैं जो कि अफोर्डेबल साइड में है उसमें से एक जो अफोर्डेबल साइड में है वो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इनसाइड की तो अभी ये न्यू लॉन्च है और काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली आप इन्हें परचेज़ कीजिएगा इनकी जगह पोपल एच की जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपकी मनी वेस्ट हो ये मेरे लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इन लिपस्टिक को जो पर्पल की एच लिपस्टिक है अदरवाइज uh, मैंने इसके जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं और जितने भी शेड्स हैं इसके मुझे थोड़े कम पसंद आया और फार्मूला मेरे पास इससे बेटर फार्मूला के लिपस्टिक्स ऑलरेडी हैं और अफोर्डेबल साइड पे हैं तो मेरी तरह तो लग रहा है तो आप परचेज कर सकते हैं क्वालिटी अच्छी है नो डाउट बट तो मैं ये आपको uh, इनके बदले ये रेकमेंड कर सकती हूँ इन साइड की लिपस्टिक अगर आप फोर uh, सेवेंटी फाइव रुपीज़ इन लिपस्टिक के लिए नहीं स्पेंड करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं आपको बिल्कुल सेम फार्मूला मिलेगा इनफैक्ट आपको नॉन ट्रांसफ़र फॉर्मूला मिलेगा बट अगर आप कंफर्टेबल साइड पे जाना चाहते हैं कि आपके लिप्स ड्राई ना हो या आपको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक तो आप श्योर sure इस पे जा सकते हैं इसका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है नो डाउट काफ़ी क्रीमी है और क्रीमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती हैं आप कुछ खाएंगे तो डेफ़िनेटली ये ट्रांसफ़र होगी बट फार्मूला इज़ वेरी गुड विंटर सीजन के लिए इनका फार्मूला काफ़ी अच्छा है एच डी क्रीमी में प्रॉपर फार्मूला अच्छा है पिगमेंटेशन अच्छी है शेड रेंज कम है और प्राइस भी ज़्यादा है तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इन लिपस्टिक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा Thanks for watching.